हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विशाल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल एडिटर। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि पिक्सल लाइव एप्लीकेशन से आपके फ़ोटो को एक अमेजिंग लुक कैसे दें, उसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें और उसे एक बेहतरीन लुक कैसे दें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना, तभी आपको पूरी प्रोसेसिंग समझ में आएगी। प्रोसेसिंग समझाने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का मैं आपको इंटरफेस बता देता हूँ। पिक्सल लैब एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसको इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। अब जिस बैकग्राउंड को आपको रखना है, उस बैकग्राउंड को आप रख सकते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया, मैं उस बैकग्राउंड को रख लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसको कुछ एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ इमेज साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ कस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके दोस्तों, आपको यहाँ दूसरा आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ आपको लिखना होगा 1460। 1460 लिखने के बाद दोस्तों, आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ इसको एडजस्ट कर लेना होगा दोस्तों। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अच्छी से एडजस्ट हो गई है। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया, मैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहां राइट का बटन दिख रहा होगा, राइट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इसे एडजस्ट करना होगा। मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया उसी तरीके से एडजस्ट हो गया। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसे सेव करने के लिए यहाँ आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपकी ये इमेज सेव हो जाएगी। दोस्तों, ये मेरी इमेज सेव हो गई है। अब आपको मैं गैलरी में जाकर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि मेरी गैलरी में ये इमेज सेव हो गई है। दोस्तों देखिए, मेरी गैलरी में इमेज सेव हो गई है। दोस्तों देखिए, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सेव हो गई है। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।